संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 8 दिसंबर 2023 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 5 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/sutrapath2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आसरक तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को समवय तत्व के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हम अध्याय 6 का सूत्र पाठन करेंगे। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का भाव भी बनाना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य सकसाया कषाययोः सांपरायी केर्यापथयोः। इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः पंच चतुः पंच पंच विंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः। आद्यं समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषः त्रिश 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 चतुश्चैकशः। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर द्वित्रि भेदा परम। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वरणयोः। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। भूत वृत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शान्तिः शौच मिति सद्वेद्यस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। कसायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैरियक यौनस्य। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः। तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनिति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ। शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मर हदाचार्य। बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। परात्मनिंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। तद विपर्ययो नीचैर वृत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्न करण मंतरायस्य। इति तत्वार सूत्रे षष्ठोध्याय। कुचे मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इसलिए आचार्य कहते हैं कि परिग्रह कोई भी चीज बन सकती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कोई भी चीज परिग्रह बन सकती है। एक विशेष बात यह है ना, द्रव्य में तो चलो आप इंद्रियों के विषय आ गए, द्रव्य हो गया, क्षेत्र भी कोई परिग्रह बन सकता है। क्षेत्र माने हाँ
स्थान विशेष, तो स्थान विशेष में ही मान लो आपको अच्छा लगने लग जाए तो वो भी परिग्रह बन सकता है, समझ आ रहा है, वो भी आपके लिए मनोज्ञ लगे। काल भी आपके लिए परिग्रह बन सकता है, कौन सा काल हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है जिसमें बड़ा सुकून मिलता है, सुख मिलता है शरीर को, वो काल भी परिग्रह लग सकता है। तो आप हमेशा उसी का इंतजार करेंगे, वो मौसम कब आएगा, वो टाइम कब आएगा, वो ऋतु कब आएगी, उसका आप इंतजार करेंगे, वो परिग्रह हो गया, है ना। ये भी एक सूक्ष्म बात है। और अगर वो नहीं है तो आपके सामने जो होगा उससे आप घबराएंगे। मान लो आपको गर्मी अच्छी नहीं लगती है तो अब गर्मी कब निकलेगी, गर्मी कब कटेगी, गर्मी कब जाएगी, तो आपके सामने हमेशा जब तक गर्मी रहेगी तब तक आपको वो द्वेष के रूप में लगेगा। तो जो वास्तव में समता भाव रखते हैं उनकी सामायिक जो होती है वो इसी रूप में होती है, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, भाव सामायिक। हर क्षेत्र में हर काल में संभाव रखना और हर भाव में भी संभाव रखना, किसी भी प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी विषमताएं उसकी समता को दूर कर देती हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं जो इन विषयों के राग द्वेष से रहित हो जाता है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी भी राग द्वेष उसका छूट जाएगा। ये इससे भी आगे की एक चीज है ना, क्योंकि इंद्रिय विषय संबंधी राग से ही ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के राग आएंगे, तो वह भी उसका छूटेगा, उसका भी वर्जन वो कर लेगा, तभी वो सामायिक निष्ठ आत्मा कहलाएगा। तो ये सब समता भाव की पूर्ति करने के लिए हैं। इसलिए ये अहिंसा आदि व्रतों में दृढ़ता इन भावनाओं के माध्यम से बहुत अच्छी आती है, यह जो साधक करते हैं उन्हें इसकी अनुभूति होती है। आगे आचार्य कहते हैं कि जो आपने व्रत लिए और इन व्रत की जो आप भावनाएं कर रहे हैं तो आपके मन में फिर भी विचार तो आता ही होगा कि जो हिंसा आदि पाप हैं इनमें बुरा क्या है, हैं? कभी कभी विचार तो आता ही होगा। तो उस विचार को भी यहां पर रोकने के लिए कुछ भावना दी जा रही है। क्या सोचना है आपको, हिंसा दिश्विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम। अब ये सब कुछ बताने के बावजूद भी यदि आपके लिए ऐसा लगता है कि हमारा अभी भी अहिंसा आदि भावों में दृढ़ नहीं हो रहा है मन, तो आचार्य कहते हैं ये भी एक विचार करके देखो, इसको भी सोचो। अगर हम हिंसा में प्रवृत्ति करते हैं, हिंसा आदि माने सब में सोचना, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, तो इनमें प्रवृत्तियां अगर अधिक होती हैं तो इह और अमूत्र यानी इस लोक में और अमूत्र माने परलोक में अपाय और अवध्य देखा जाता है ना। अपाय का मतलब होता है कि इस लोक में तो आपके लिए उससे दुख होगा, अगर कोई हिंसा आदि में प्रवृत्ति कर रहा है तो उसको इस लोक में उसका दुख होगा, उसका एक तरीके से अपाय माने विनाश भी होता है, यानी उसका मृत्यु हो जाना, नष्ट हो जाना, विनाश कर देना, जीवन ही समाप्त हो जाना, ये भी देखने में आता है जो हिंसा आदि करते हैं। और परलोक में जहाँ कहीं पर भी उसका जन्म होगा तो वहाँ पर भी उसे एक निंदनीय जीवन जीना पड़ेगा, है ना, वहाँ पर भी उसके लिए कोई अच्छा सौभाग्य नहीं मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पाप करके गया है उसके लिए वहाँ पर भी एक निंदनीय गर्हित जीवन जीना होता है। इस भावना को हम यहाँ पर इस रूप में देखें कि जो हिंसा आदि पांच हैं ये हमारे लिए दुख भी देने वाले हैं, हमारे जीवन का नाश भी करने वाले हैं, और इनसे हमें निंदा भी मिलती है, इनसे लोक में हमारे लिए बहुत जुगुप्सा या गरहा का भी हमें पात्र बनना पड़ता है। तो ये विचार करके भी आप जो है इस हिंसा आदि से अपने मन को दूर रख सकते हैं। प्रत्येक में आपको ये भाव देखना है, और ये दुनिया में अगर आप कहीं भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा, जो व्यक्ति हिंसा करते हैं उन्हें हिंसा के फल से क्या मिलता है, उन्हें लोग क्या अच्छा मानते हैं, वह हमेशा पाप कर रहे होते हैं तो उस पाप के फल से उन्हें किसनी तरीके की परेशानियां सामने आती रहती हैं,
इस तरह से विचार करने का नाम ही यहां पर कहा जा रहा है, हिंसा से अपने को दूर रखना। ऐसे ही झूठ के बारे में सोचना, जो लोग झूठ बोलते हैं उन लोगों के ऊपर कोई विश्वास करता है कि नहीं करता, झूठ बोलने वाले को लोग किस नज़र से देखते हैं, झूठ बोलने वाले के लिए जो है कोई भी अगर कोई अच्छा अवसर भी मिल जाएगा तो भी लोग उसके ऊपर किसी भी तरीके से विश्वास नहीं करेंगे, सोचेंगे भैया इस आदमी के लिए कोई भरोसा नहीं है, तो वो ना विश्वास के योग्य रहता है ना भरोसे के योग्य रहता है। चोरी करने वाले से तो लोग दूर हटना चाहते हैं, अगर कभी पता पड़ जाए कि इस आदमी ने इसके घर में से चुरा लिया या इस स्थान से चुरा लिया तो हर कोई उसको चोर की नज़र से ही देखेगा। अब वो दृष्टि आने के बाद में फिर उसके लिए हमेशा उसके लिए ऐसा भाव बना रहेगा कि देखो मैं दुनिया की नज़र में क्या हो गया, चोर हो गया। अब उस भाव को वह साफ नहीं कर सकता दुनिया के लिए, जो एक बार अगर उसके लिए किसी ने समझ लिया कि ये चोर है तो वह चोर ही रहेगा अब, क्योंकि एक बार किसी की दृष्टि कुछ हो जाती है तो फिर वह बदलती नहीं है, अब वो कितनी अपनी सफाई दे। तो ये इतनी बुरी चीज़ें हैं, इसलिए इनमें प्रवृत्ति नहीं करना। जो व्यक्ति कुशील सेवन करता है, पर स्त्री या पर पुरुष का सेवन करने वाला, उसको भी देखो आप लोक में कितनी अनादर की दृष्टि से देखा जाता है, उसकी निंदा भी होती है। जब उसकी कोई भी बातें किसी से कही जाती हैं तो दूसरे लोग भी उसको उस अनादर की दृष्टि से देखने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें इनको देखो, दर्शन लिखा है ना, दर्शन माने आप देखो इन सब चीज़ों का, विचार करो अच्छे ढंग से इनमें ये चीज़ें हैं कि नहीं, इससे दुख है और इसके माध्यम से अनादर भी है और इसके माध्यम से लोक में गरहा निंदा भी होती है। और इसी तरीके से जो अत्यंत परिग्रह को धारण करने वाले परिग्रही जीव होते हैं उनके लिए भी तरह तरह के चोर लुटेरों के भय, तरह तरह के टैक्सों के भय, तरह तरह की जो है संपदाओं को नष्ट हो जाने के भय उनके अंदर पड़े रहते हैं और इसी कारण से वो हमेशा चिंतातुर बने रहते हैं। तो परिग्रह भी सुख देने वाला नहीं, इसलिए इन पापों से विरक्त होने के लिए ये अहिंसा आदि पांच चीज़ें बताई जा रही हैं। और इसी में जिसकी भावना रहती है, जो इस तरह से इन भावों का विचार करेगा तो उसके मन में हिंसा आदि में जो प्रवृत्ति हो रही है या मन जाता है तो वह भी कम हो जाएगा, छूट जाएगा। इतना आपको यहाँ पर विचार करने का भी एक ज्ञान दिया जा रहा है, क्या विचार करना है, यानी हिंसा आदि पांच पापों के दोषों को आप दुनिया में देखें और अगर ये दोष बढ़ते चले जाते हैं तो कहाँ तक स्थिति पहुँच जाती है आप देखते ही हैं। परिग्रह को आप अच्छा मानते हैं लेकिन जब उसी परिग्रह की लालसा में परिग्रह बढ़ता चला जाता है और बाद में जब कोई चीज़ें पकड़ में आती हैं, भंडाफोड़ होता है, किसी भी तरीके के लोग जो है राजनीतिक लोग जब छापा मारते हैं, किसी भी तरीके से आक्रमण होता है तो फिर उस समय देखो कैसी निंदा है, पेपर में फोटो तो अपने आप आ ही जाएगा, आप नहीं भी देंगे तो भी आ जाएगा, है ना। तो फिर जो है जीवन भर कमाया हुआ जो यश था वो सब अपयश में थोड़ी देर में बदल जाता है। तो इस तरह का विचार करते हुए इन प्रवृत्तियों से अपने को बचाने के लिए इनके ये दोष देखना, इस लोक में हमेशा इन परिग्रहों में आसक्त जीवों को दुख भोगना पड़ता है और जो व्यक्ति इनमें अत्यधिक आसक्ति के कारण से प्रवृत्ति करते हैं उन्हें तरह तरह के दंड भी भुगतने पड़ते हैं, जेल भी जाना पड़ता है। और इन प्रवृत्तियों में जो आसक्त रहते हैं, ज़्यादा आसक्त हो गए तो वो तरह तरह के अराजक आतंकवादी बन जाते हैं, उनके लिए तो कभी भी मृत्यु सामने ही खड़ी रहती है, मृत्यु, उनका जीवन तो कुछ जीवन होता ही नहीं। तो ऐसी चीज़ों को सोच करके इनसे दूर होना, ये आचार्यों ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा चिंतन दिया है। और इससे भी मन ना माने तो फिर एक और बात कह रहे हैं, अब देखो कितने उपाय कहे गए हैं। आप कहते हो महाराज मन को समझाने के कुछ तरीके बताओ, मैं कहता हूँ कि ये पांच व्रतों की पांच भावनाएं और उसमें से भी ये दो भाव जो हैं आठवें और नौवें सूत्र के, ये विशेष हैं, है ना। कितने कि अब अगर आपको ये नौवां और ये दसवां सूत्र ध्यान में रहे, दुख मेव वा, दसवां सूत्र क्या है, दुख मेव वा, यानी ये सब दुख ही हैं,
आप हिंसा आदि पांच पापों में प्रवृत्ति करें तो उसे दुख ही रूप में देखें। प्रवृत्ति करने में भी दुख होगा और प्रवृत्ति के बाद में भी जो आपको अनुभूति होगी उसमें भी दुख होगा, इसलिए दुख ही कहा गया है। दुख ही का मतलब ये होता है दुख का ही कारण है और दुख देने वाले भी हैं और दुख रूप भी हैं। तो जब आप हिंसा में प्रवृत्ति करेंगे तब देखें आप कितना दुख होता है आपके अंदर। जब आप किसी जीव को मारें, वध करें, आपको पहले बहुत कसाई करनी पड़ती है अपने अंदर, अपने भावों में कितनी कसाई लानी पड़ती है, उतना दुख पैदा करना पड़ा तब आप किसी को दुख दे पाएंगे। झूठ भी बोलेंगे तो भी आपको अपने मन में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कैसे उसको झूठ बोलना, किस भाव से झूठ बोलना है, कैसे एक्शन करके झूठ बोलना ताकि उसको झूठ भी झूठ समझ में ना आए। चोरी करने वाला तो कितना डरा हुआ रहता ही है, कुशील करने वाले के लिए तो दुख देखने में ही आता है और परिग्रह करने वाले को दुख देखने में नहीं आता। परिग्रह रखने वाले का दुख किस रूप में रहता है तो उसका दुख तब देखने में आता है जब उसका परिग्रह नष्ट होने लग जाता है या उस परिग्रह की चिंता में वो डिप्रेशन में जाने लग जाता है ना। इकट्ठा करते हुए या सेवन करते हुए कभी कभी आपको लग सकता है कि इन चीजों में सुख है, लेकिन जब इनका सेवन करने के बाद जब अनुभूति की जाती है तो इसमें दुख ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए कोई भी चीज जो ये रूप पांच रूप में है, वह पांच रूप में जो प्रवृत्तियां एक आवश्यकता से अधिक या अव्रत के रूप में जो सामने आती हैं तो वह दुख के ही कारण से आती हैं, दुख ही देती हैं कोई भी चीज हो। तो इस तरह से दुख के रूप में इनको देखो, पांचों ही पाप हैं, पाप ही दुख हैं, ये दुख के कारण हैं और दुख ही इनका एक फल है और उस फल से फिर दुखी ही होना होता है। इस तरह से अगर हम विचार करें तो इन पांच पापों से हम विरत रह सकते हैं, विरक्ति धारण कर सकते हैं। यानी ये हमें बहुत अच्छा एक कहना चाहिए, परीक्षा देने से पहले एक कोर्स दिया जाता है कि उस कोर्स को करने के बाद में आप परीक्षा देने के लायक बन सकते हैं। एक तो आपने एडमिशन ले लिया और फिर एक एडमिशन मिलने के बाद में फिर आपको परीक्षा के योग्य कोर्स, एक तो एडमिशन मिल गया क्लास का कोर्स है ना, फिर आपको कोई इस तरीके से कहे देखो भाई आप परीक्षा देने के लिए ये चीजें तैयार करें है ना, तो आप अच्छे ढंग से पास हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा ही समझ में आता है, एक तो ये कहा गया कि आप व्रत ले लें तो आपने व्रत ले लिए, ये तो आपका कोर्स हो गया, क्लास का कोर्स हो गया। अब व्रत लेने के बाद में मन फिर वहीं पे जाता है या मन ऐसा करता है या वैसा करता है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, जो तमाम तरह की मन में बातें आती हैं, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं अब आप इस कोर्स को अपनाओ, पांच भावनाएं, उसके आगे जो ये नौवें और दसवें सूत्र में दो चीज़ें और दी हैं, इन सात भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने मन को हिंसा आदि पाँच पापों से हटाओ तो तुम्हारा व्रत बिल्कुल जो है स्थिर हो जाएगा। फिर तुम्हें व्रत कभी भी बुरा नहीं लगेगा या ऐसा नहीं लगेगा कि व्रत लेकर के हमने गलती कर ली। समझ आ रहा है ना, ऐसा भी लगता है लोगों को व्रत लेकर के गलती कर ली है। हाँ हाँ, व्रत लेकर के हम फंस गए है ना, व्रत लेकर के हम परेशान हो गए। हाँ, तो करेस्पॉन्डिंग कोर्स भी उसी के सपोर्ट के लिए होता है ना, जो मेन सब्जेक्ट होता है, मेन कोर्स होता है, उसी के लिए होता है। तो आप इसको इसी रूप में देखें, ये बहुत अच्छी, इसलिए देखो आचार्यों ने कितनी मेहनत की है हम लोगों के साथ में कि आप इस तरीके की भावना भाएंगे तो आपका मन जो है बिल्कुल स्थिर रहेगा। ये कितना अच्छा मनोविज्ञान है ना, मन को कैसे लगाया जाए, मन को कौन सा ज्ञान दिया जाए, इस तरह का मनोविज्ञान आचार्य जानते थे। तो उन्होंने ये भावनाएं बता करके हमें संसार का स्वरूप दर्शन करा करके व्रतों में मन लगाया है ना। इस तरह की ये भावनाएं ही व्रतियों के लिए उपयोगी हैं। इनमें ज़्यादातर आप देखेंगे सभी भावनाएं एक तरह की निषेधात्मक हैं है ना। कैसी हैं,
इनसे बचो, इनसे बचो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, है ना। ज़्यादातर सभी में देखेंगे ज़्यादातर क्या है, रोकने रूप हैं, मन को रोकने रूप हैं। तो मन को रोकने के लिए मन को समझाना पड़ता है, तो उसमें भी एक परिश्रम होता है। और वो जो परिश्रम अगर थोड़ा सा सफल हो जाता है, तब फिर मन के लिए कुछ विधेय रूप भी भाव दिए जाते हैं, है ना। वो भाव आपको कल बताए जाएंगे, है ना। हाँ, आज इतना जो है इसमें, जहाँ जहाँ पर आपको ये लगे कि ये निगेटिव रूप में है, वो निगेटिव भी अपने लिए अच्छा है, समझ आ रहा है। क्योंकि निगेटिव भाव भी जो होता है वो किसी से बचने का भाव होता है, लेकिन उससे बच कर के ही हम कुछ अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो इस भावों को आप इसी तरीके के रूप में देखें, ये बचाने वाले भाव हैं। और बच कर के अब हम क्या करें, तो वो आपको फिर बाद में बताए जाएंगे, बचने के बाद कौन सी भावना करनी है आपको। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझाया। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का ये सुनहरा मौका। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि ब्रह्मचर्य व्रत की पांचवी भावना स्वशरीर संस्कार त्याग में हम शरीर को एक शव की तरह देखते हैं, उसमें कोई राग नहीं रखते। तरह तरह के कॉस्मेटिक्स, उत्तम फेशियल आदि लगाकर पूरे शरीर का संस्कार किया जाता है। बालों, नखूनों, आँखों, बाहों, नाक, गले आदि का हर तरह का श्रृंगार होता है, जिससे शरीर में राग बढ़ता है और अंदर ब्रह्मचर्य व्रत की भावना नहीं बचती। इसीलिए हमें शरीर को संस्कार करने का त्याग करना चाहिए। हमें इन पांच भावनाओं को बार बार करना चाहिए। अगर कोई भावना ना पले तो भावना करनी चाहिए व्रत के पश्चात आगम में निषिद्ध क्रिया में प्रवृत्ति करने का क्या प्रयोजन, व्रत का क्या महत्व रहेगा। इससे व्रत दृढ़ होता है और मानसिकता धीरे धीरे स्थिर होती जाती है। सूत्र 8 में हमने जाना पांच इंद्रियों के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग और द्वेष का वर्जन करना यानी छोड़ना। अंतिम अपरिग्रह व्रत की भावनाएं हैं। मनोज्ञ चीजें मन को उत्सुक करती हैं, सुख पहुंचाती हैं और अमनोज्ञ चीजों के कारण से मन में असुहावनापन लगता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय के विषय मनोज्ञ या अमनोज्ञ रूप ही होते हैं। मनोज्ञ विषय राग पैदा करते हैं और अमनोज्ञ विषय द्वेष। हमें किसी भी प्रकार से उत्पन्न राग और द्वेष को छोड़कर समभाव में रहना है। इसमें मन में ना तो रागात्मक झुकाव होगा और ना घृणात्मक खिंचाव। हमने जाना कि द्वेष में भी मन में शांति नहीं होती। मन में उस चीज से बचने के भय के कारण से एक घृणात्मक वृत्ति पैदा हो जाती है। मन समभाव में नहीं रहता और दुखी रहता है। इसलिए किसी वस्तु से अगर राग छोड़ना है तो घृणा भी छोड़नी होगी। राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होना ही अपरिग्रह है। परिग्रह अर्थात हमारे मन को उससे बांध दे और मन में ग्रहण करने में आ जाए। साम्य भाव वस्तु वस्तु में रहती है। मन मन में है और उपयोग अपने स्वभाव में रहता है और इसके अभाव में मन वस्तु की तरफ ही इंक्लाइंड होता है। राग में इच्छा होगी कि कब कैसे मिलेगा और द्वेष में इच्छा होगी कि कब कैसे बचे। ये दोनों ही प्रवृत्तियां परिग्रह के कारण से हैं। हमने जाना कि मन यदि प्रशिक्षण से वस्तु में मम इदम, यह मेरा है भाव से हट जाए तो यही अपरिग्रह की भावना है।
परिग्रह चेतन अचेतन और मिश्र पदार्थों का होता है। यह छोड़ने योग्य बाहरी परिग्रह भी होता है और कषाय स्त्री आदि वेद नौ कषाय आदि भीतरी भाव रूप अभ्यंतर परिग्रह भी होता है। परिग्रह से रहे मनोवृत्ति में न कुछ मनोज्ञ होता है और न कुछ अमनोज्ञ। इंद्रिय विषयों में राग द्वेष से दूर व्यक्ति इतना आत्मनिष्ठ हो जाता है कि उसे किसी भी चीज में मन जाना परिग्रह से जुड़ने जैसा नहीं लगता। इस शॉर्ट सूत्र में पूरी दुनिया सिमट गई है। आचार्य कहते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव कोई भी चीज परिग्रह बन सकती है। द्रव्य में इंद्रियों के विषय आ गए, क्षेत्र में जो स्थान विशेष अच्छा लगने लग जाए आदि, काल में जो काल बहुत अच्छा लगे जिसमें सुकून मिले जैसे अनुकूल ऋतु। यह एक सूक्ष्म बात है। हमने जाना कि वास्तविक सामायिक भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सामायिक रूप होती है। इंद्रिय विषय संबंधी राग से ही यह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के राग आते हैं। इनके छूटने से आत्मा सामायिक निष्ठ हो जाती है। सूत्र 9 में हम जानेंगे यदि भावनाएं जानने के बाद भी हमारा मन अहिंसा आदि भावों में दृढ़ नहीं हो रहा है तो हमें क्या विचारना चाहिए। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा, साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अपाय का मतलब निम्न में से क्या होगा? इस लोक में, परलोक में, उत्पन्न हो जाना, नष्ट हो जाना। अध्याय 7 की कक्षा 8 के आज के सवाल का सही उत्तर है मध्यस्थ भाव। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।